6.3 इस एक्सरसाइज में आपको लाइक टर्म्स मालूम करना और उनको इस्तेमाल करना सिखाया। लाइक टर्म्स से मुराद मतलब ये है कि एक जैसी रकम, एक जैसी टर्म्स वो होती हैं कि जिनके साइन और कोफिशिएंट बेशक अलग हों लेकिन जिनकी बेस और पावर एक्सपोनेंट ये एक ही, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। अब देखिए सम नंबर वन पार्ट फाइव के जरिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये इस सम में दी गई एक्सप्रेशन है। पहली एक टर्म है एक्स स्क्वायर। अब इस सब में अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई और ऐसी टर्म नहीं है कि जो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली हो, बेशक उसका कोएफिशिएंट कोई और भी हो जाए, इसका कोएफिशिएंट तो वन है, उसका कुछ और हो जाए, प्लस की हो माइनस की हो, लेकिन सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली और कोई भी नहीं है, लिहाजा इसकी कोई दूसरी लाइक टर्म यहां मौजूद नहीं। अब ये टर्म देखिए एक्स स्क्वायर और वाई प्लस का है। अब और इसमें ढूंढिए एक्स स्क्वायर और वाई, बल्कि वो टर्म है नहीं, ये नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी नहीं है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। हां पता ये है कि अगर जो इसका कोफिशिएंट 5 है लेकिन इसकी जो बेस और पावर्स हैं वो बिल्कुल वही है एक्स स्क्वायर और वाई, लिहाजा ये दोनों टर्म जो है वो लाइक है। ये और इन्हें आप इकट्ठा कर दीजिए एक्स स्क्वायर और वाई, और इससे इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, वाई स्क्वायर नहीं सिर्फ वाई, और 5 एक्स स्क्वायर वाई। ये देखिए ये दोनों अगर जो इसका कोफिशिएंट 1 है इसका 5 है डजंट मैटर, लेकिन इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी सिर्फ वाई है इधर भी सिर्फ वाई। आगे चलिए अब यहां आ जाइए, ये है 3x y स्क्वायर, और जो बिल्कुल इसके साथ दूसरी टर्म है ये भी इसी से मिलती जुलती है 4x y स्क्वायर। ये देखिए इसमें भी सिर्फ x है इसमें भी सिर्फ x है, इसका भी y स्क्वायर है इसका भी y स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं 3x y स्क्वायर और 4x y स्क्वायर 7x स्क्वायर y स्क्वायर। इस पूरी एक्सप्रेशन में और कोई ऐसी टर्म नहीं है, लिहाजा इस जैसी इसकी लाइक टर्म भी मौजूद नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म्स आपस में लाइक है, ये दो टर्म्स आपस में एक जैसी। यह आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि प्लस और माइनस जो टर्म्स होती हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं, एक ऐसी टर्म आपस में प्लस और माइनस हो सकती है। x एंड 2x आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करें, तो ये कोफिशिएंट्स को और ये ऐसा ही रहेगा, इनको कुछ नहीं करना। 4x 2.7 में आपको ऐड करना सिखाते हैं, n³ 4m³ 4m³। तो क्या ऐड करेंगे आप इनके, जी हां कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका 4 है इसका 4 है, और ये n³ साथ ऐसे ही रहे। यानी हमने देखना है कि n³ वाली कुल टर्म्स कितनी है, जिन टर्म्स को आप ऐड कर रहे होते हैं वो कुल कितनी है, इसलिए उसको नहीं छेड़ते, उसके कोफिशिएंट को प्लस करते हैं। 1 4 4 8 and 1 9। समझ गया?
अब सम नंबर टू पार्ट 15, ये कैसे करेंगे, 3 - 2 ओके आप इसमें देखिए प्लस 4ab माइनस 2b इनको ऐड कर लो, ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इधर ab है इधर सिर्फ b है। अब ए बी वाली टर्म सिर्फ ए बी वाली टर्म में प्लस या माइनस होगी और ये सिर्फ बी है तो बी वाली टर्म सिर्फ बी ही वाली टर्म में प्लस या माइनस हो सकती है। लिहाजा ये सम ऐसे ही रहेगा, इसको ना आप प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स होती है।